दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ऐसा काम कर चुके हैं जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। दरअसल इस वक्त क्रिकेट जगत में तहलका मचा रहे शुभमन गिल को नेट सेशन में अर्जुन तेंदुलकर गेंदबाजी करते नजर आए और उनकी गेंदों को खेल पाना शुभमन गिल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी 150 से भी ज्यादा गति की गेंद, गेंदबाजी और खतरनाक स्विंग देख पूरा भारतीय खेमा हैरान था। यहां तक कि हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी उनके लिए तालियां बजाई। तो कैसा रहा शुभमन गिल और अर्जुन तेंदुलकर का ये मुकाबला दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इन दिनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खुमार दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। 9 फरवरी के दिन दोनों ही टीमें पहला मुकाबला खेलने वाली जमकर नेट सेशन में पसीना बहा रही थी। इसी बीच महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी भारतीय खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते हुए नजर आए। आपको बता दें, लगातार दूसरा फाइनल खेलने के लिए हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा, जबकि दूसरी तरफ कंगारू अपने घर पर मिली हार का बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। इस बार ऑस्ट्रेलिया भारत को टक्कर देने के लिए कई स्पेशल तैयारी करके आ रहा है। उन्होंने भारत आने से पहले सिडनी शहर में स्पिन खेलने की खास तैयारी भी की और एक मजबूत साइड के खिलाफ अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए हर दांव पेच आजमाने को तैयार है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम बेंगलोर में भारतीय टीम को परास्त करने की रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने एक खास तरह की पिच भी तैयार करवाई है जिसमें वो स्पिन गेंदबाजी से निपटने के लिए जमकर कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार हिंदुस्तान को पटखनी देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं भारतीय टीम भी कम नहीं है और पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले दोनों टीमें प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहा रही है। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिस में भारतीय टीम में बतौर नेट गेंदबाज शामिल हुए अर्जुन तेंदुलकर का सामना जब शुभमन गिल से हुआ तब माहौल देखने लायक था। जी हाँ, शुभमन गिल को गेंदबाजी करने जब अर्जुन तेंदुलकर आते हैं और तब उन्होंने खौफनाक गेंदों के आगे गिल शुरुआत में थोड़ा बेबस नजर आते हैं। अर्जुन ने उन्हें लगभग क्लीन बोल्ड कर दिया था। हालांकि गिल बाल बाल अपना विकेट बचा लेते हैं और जैसे ही वो अपनी फॉर्म में आते हैं उन्होंने अर्जुन को एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ चौके लगाकर ये बता दिया कि वो किस मिट्टी के बने। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर ने शुभमन गिल को बाउंसर यॉर्कर सभी ने टेस्ट किया। यहाँ तक कि कई बार अर्जुन ने शुभमन का विकेट भी लिया, जहां अर्जुन तेंदुलकर की बेहतरीन गेंदबाजी देख रोहित शर्मा और विराट कोहली भी तालियां बजा रहे थे। तो फैंस का रिएक्शन तो देखते ही बनता था, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि शुभमन और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा या फिर कोई और? हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।